आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की करंट की मंथली मैगजीन है गाइस जून 2024 की, जिसमें हम अपना फिफ्थ टॉपिक करेंगे जिसका नाम होता है एनवायरनमेंट। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। इससे पहले के टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, पॉलिटी गवर्नेंस का टॉपिक हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकॉनमी हो, सिक्योरिटी हो, विद एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। देखो एमसीक्यूज अब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना गैस पे, मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा देने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी लैक कर जाता है जब आप क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक अपना उठाने जा रहे हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। किन के बारे में बात करेंगे? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, उसको SIDS कहते हैं, और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है उसको पढ़ेंगे हम। ये वाला टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि पनामा ऐसा पहला नेशन है जिसने आइलैंड कम्युनिटी को इवैकुएट करा है ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट। अब ये शब्द का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि देखो अब आप क्योंकि एक पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इवैकुएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लियरिंग करना, डिस्चार्ज कराना, ठीक है, यानी निकासी कराना। बेसिकली अगर आप हिंदी में बात करते हो तो इवैकुएट का मतलब ये होता है। अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ऐसा पहला नेशन पनामा बन चुका है जो कि आइलैंड कम्युनिटी है जिसने कि लोगों को मूव कराया है डेंजरस प्लेस से कुछ सम स्पेस सेफर प्लेस पे जाकर, ताकि वो किसी भी प्रकार के डेंजरस से बच जाए, है ना। वैसे भी अभी आपने देखा ही कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, ओल्ड राजेंद्र नगर का केस तो सुनते ही गाइस मेरा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा स्टूडेंट्स के साथ सिनेरियो रहा, वो बहुत ही दर्दनाक। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हमें पता है। तो खैर ये एक बात है ही। अब क्या हो रहा है, तो पनामा एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ऐसे आइलैंड से जहाँ पर बहुत भाई ख़राब है क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, वहाँ से इवैकुएट करा रहा है। अब कह रहा है ऐसे ऐसे ही जगह जगह पर हो रहा है। कह रहा है देखो 300 ना इंडिजीनियस गूना फैमिलीज हैं, उनको रिलोकेट करा गया है फ्रॉम द गार्डी सुगदब आइलैंड टू द मेनलैंड पनामा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सी का लेवल राइज कर गया है। ऐसे ही कुछ और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हैं जो कि ओशन के राइज होने की वजह से, वहाँ पे थ्रेट महसूस करने की वजह से वहाँ से मूव कर रहे हैं। और ये देखो यही है वो पनामा के आसपास के स्टेट्स। देखो ये बीच में पनामा है, यहाँ पर पनामा सिटी है, कोस्टा रिका, निकारागुआ, सारा का सारे यहाँ पर आसपास आइलैंड स्टेट्स हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी बात आइलैंड स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो CDRI ने $8 बिलियन की फंडिंग यहाँ पर करी है अंडर दिस प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम, ताकि डिजास्टर से हम बचा सकें। अब अनाउंस ये कब हुआ? यूनाइटेड नेशंस का 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर हुआ। IRIS प्रोग्राम जो है इसको 2024 का UN सिट्स पार्टनरशिप अवार्ड भी मिला है फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए इनोवेशन और इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप के लिए। अब IRIS प्रोग्राम है क्या, इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? CDRI के साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी इसका पार्ट है, ध्यान रखना CDRI का, और UK, ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। COP26 में इसको लॉन्च किया गया था जब वर्ल्ड लीडर्स की समिट थी। आपसे मेरा ये सवाल है COP26 किस शहर में रखी गई थी, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है आपने। देखो जितना ज़्यादा जवाब दोगे उतना ही मुझे मज़ा आएगा MCQs और क्वेश्चंस को देने में, वरना मेरे को भी ना बड़ा डीमोटिवेट सा हो जाता है यार कि कुछ बच्चे करते ही नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने इसी में ही आइलैंड स्टेट्स के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड भी बनाया, ठीक है। इसके बाद CDRI ने वॉज लॉन्च बाय इंडियन PM ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के द्वारा, ये भी बनाया गया, न्यू दिल्ली में इसका सेक्रेटेरिएट है। इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क में रिस्पॉन्ड कर सके और एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चल पाए। अब आप ये भी समझो, क्योंकि हमारा यही से टॉपिक शुरू हुआ है, कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट कौन से वाले होते हैं, कौन कौन से नाम उसके अंडर आते हैं, तो ये समझो आप
कि सिट्स यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड वो कंट्रीज हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सिमिलैरिटीज को शेयर करती हैं, टेरिटरीज को शेयर करती हैं और सेम तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, चाहे वो सोशल चेंज चैलेंजेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी हो। अब ये भी ध्यान रखना, जितने भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो सभी आइलैंड नहीं है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर बिलाईज या गुआना सुरीनेम आर ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि उनका ना कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, बट वो आइलैंड नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अब जो एक्स ऑफ सिट्स हैं, जैसे मालदीव है, सीएचएल्स है, मार्शल्स है, सोलोमन आइलैंड्स है, सुरीनेम है, मॉरिशस है, पपुआ न्यूगिनी है, ये सारे के सारे एक्स ऑफ सिट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब तीन तरह के जोग्राफिकल रीजन सिट्स के अंदर आते हैं। एक है कैरेबियन, पैसिफिक, एटलांटिक और इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। ये सात तीन तरह के यहाँ पे रीजन्स निकल कर आए हैं। अब सिट्स को क्यों रिकॉग्नाइज करा जा रहा है? क्योंकि माना जाता है ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एक स्पेशल केस में फॉर्म हो रही है। तो ऐसा कब रिकॉग्नाइज हुआ? 1992 में जब अर्थ समिट हो रही थी ना, तभी ये करा गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अब कॉमन करेक्टरिस्टिक सिट्स के क्या होते हैं? तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है रिमोटनेस, रिमोटनेस मेकिंग टू देम डिफिकल्ट। अगर रिमोटनेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसे इलाके हैं जो आपके सस्टेनेबली डेवलप, आप समझ लो स्मॉल आइलैंड जो स्टेट्स है ना, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक्सेस करना, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी समस्या इन इलाकों की ये है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत कम है। अब आप सोचो, पॉपुलेशन भी कम, पोटेंशियल इकोनॉमिकली भी कम, तो कैसे वो अपनी दिनचर्या चलाएंगे? फिर ऐसा भी देखा गया है, इन आइलैंड स्टेट्स का ओशन रिसोर्सेस पे बहुत डिपेंडेंस है, ओशन पर, मराइन रिसोर्सेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, और इनके पास पैसा भी इतना नहीं होता है, क्योंकि इनको कंसेशनल फिनेंस क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मिडिल इनकम कंट्रीज से आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है कि क्लाइमेट चेंज सिट्स की को कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है। हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग अफेक्टिंग सिट्स? तो देखो, डिस्पाइट देयर मिनिमल हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, सिट्स में बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, चाहे वो लॉस एंड डैमेज हो, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो, सी लेवल का राइज हो, ओशन एसिडिफिकेशन हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो। कह रहा देखो, एक तो बेचारे ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, इनको एक्सेस करना मुश्किल है, अब इनके ऊपर दूसरी सबसे बड़ी मार पड़ रही है जलवायु परिवर्तन की, यानी कि क्लाइमेट चेंज की। कैसे पड़ रही है? कह रहा है यहाँ पर सिवियर इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स का एक्सट्रीम होना, सी लेवल का राइज करना, ओशन में एसिडिफिकेशन हो जाना, इसकी वजह से, कह रहा है एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है, यहाँ पर इतना कोस्टल इरोजन और सबमर्जेंस हो गया है। कह रहा है 2050 तक ऐसा मान सकते हो आप कि जो हाफ ऑफ टूवलूस कैपिटल है ना, वो टाइडल वाटर में बिल्कुल फ्लडेड हो जाएगी। एक तो ये समस्या, आपको फोर्सफुल डिस्प्लेस होना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरी समस्या आपकी इकोनॉमिकली पड़ेगी, ओशन एसिडिफिकेशन। और आपको मैंने पहले ही बताया, ये वाले आइलैंड स्टेट जो है बहुत ज़्यादा ओशन रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है। अब जब ओशन का ही एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो मरीन इकोसिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, कोरल रीफ खराब हो जाएंगे, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, फिशरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बता रहा है, कह रहा है 1970 से लेके 2020 तक इन स्टेट्स को 153 मिलियन बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ है एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से। फिर डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है इंडिजिनस पॉपुलेशन का भाई, इनके कल्चरल रूट्स वो ख़त्म हो जाएंगे, इनका जो ट्रेडिशनल तरीका होता था रहने का वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्लाइमेट इनजस्टिस तो है ही, अकाउंटिंग अगर इनकी देखी जाए तो ये बेचारे लोग सिर्फ ग्लोबल इमिशन 1% फैला रहे हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको करनी लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के इलाकों में सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का। फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बहुत समस्या है,
यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ये भी एक दिक्कत। कह रहा डिस्पाइट बीइंग प्रोपोर्शनलिटी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज दे हैड एक्सेस अ मियर ऑफ, यहाँ पे सिर्फ 1.5 बिलियन US डॉलर्स का इस्तेमाल हुआ है कि 100 बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट प्लेज किए गए थे 2019 में। एग्रीगेट पॉपुलेशन यहाँ पर जो रहती है सभी स्टेट्स में लिविंग अक्रॉस मोर देन 1000 आइलैंड इज लेस देन 1% जो वर्ल्ड की, यहाँ पर एक से भी कम पॉपुलेशन वर्ल्ड की रह रही है। पॉपुलेशन भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो कैसे इस इलाके को बचाओगे आप? फिर कह रहा हेल्थ, बात ही मत करो, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है यहाँ पर, हीट वेव्स हैं बहुत ज्यादा, आउटब्रेक्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग वाटर ऐसा है कि आप फ्रेश वाटर को ढूंढते फिरोगे। कहना बहामास है ना, टोटली ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पर आओ, हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, चेंजेस है सॉइल में, मॉइस्चर में, वेदर के इवेंट बहुत ज्यादा चेंजेस है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्लड्स ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा समस्या है, ड्रॉट्स की बड़ी समस्या है। कैसे करें, क्या करें? फिर वे फॉरवर्ड में यहाँ पर बोल रहा है कि अडेप्टिव कैपेसिटी इन्हेंस करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करें हम रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग करें, डिजास्टर प्रिवेंशन मैनेजमेंट पे बात करें, हेल्थ केयर से प्लानिंग पे बात करें, डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव करें क्लाइमेट चेंज के, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करें हाई कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। एक ब्रिज टाउन इनिशिएटिव होता 2022 का, यहाँ पर हमारा ये है एक तरह का कि हम इमीडिएट इन कंट्रीज को डेट स्ट्रेस से बचाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो स्टिमुलस पैकेज यहाँ इंक्लूड एंड इन्वेस्ट करने का, उस पर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन कंट्रीज के लिए। और ये भी हमें करना है कि जो हमारे ब्लू कार्बन जैसे प्रोजेक्ट हैं या हमारे डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले जो प्रोजेक्ट है ना, उन पर हम काम कर सकते हैं, यानी कि हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे काम करना होगा, यानी कि हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और इनोवेशन से, नेचुरल रिसोर्सेज से अपने आप यहाँ के क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तरह से पहुँच नहीं पा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना यहाँ की जरूरत है, विंड सोलर जियो थर्मल पावर्स का इस्तेमाल किया जाए। कहना सिट्स में लाइट हाउस इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें 10 गीगावाट की जो गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है या कह लो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंस्टॉल की गई थी, और यही प्लान है कि 2030 तक हम ये काम कर पाए, 2030 तक। अब ऐसे ग्लोबल मेजर्स इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए क्या कुछ लिए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल लिए जा रहे हैं। एक अलायंस बनाई गई है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है यहाँ के स्टेट्स को यहाँ की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करते हुए काम करना, ग्लोबल इन्फ्लुएंस या कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ऐसे ही यहाँ पर क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है, प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है, ये सब काम हमें करना बेहद बेहद ज़रूरी हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर ग्लोबल मेजर्स लिए गए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडियन हिमालयन रीजन, जिसको हम बोलेंगे IHR। ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले ये समझते हैं। इन व्यू ऑफ द सम रीसेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक नया तरह का फंडामेंटल राइट निकाला गया है टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, और ये ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि जो हमारे इंडियन हिमालयन रीजन है उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये हमने रीसेंट जजमेंट उठाई है सुप्रीम कोर्ट की, एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अब ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक ऐसे तो नहीं आया होगा, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की जो भी बातें होती हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर जजमेंट लेता है तो उसके पीछे बहुत सारे पीछे कमेटीज और केस चल रहे होते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मन में ही नहीं आया कि वो सुबह मन में आ गया जी हाँ जी आज हम ये काम करेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो कह रहा 2023-24 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ी? तो कह रहा 2024 में M.K. रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि वाकई जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज के उससे लोगों को हमें फ्री करना है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, 14-21 क्या कहता है, आर्टिकल के बाद जो आपका आर्टिकल 21 है इसका नाम है राइट टू लाइफ। अब इन दोनों आर्टिकल्स में आप अल्टीमेटली लोगों को फ्री करो, तो आप कह रहे हैं कि फ्री आप फिर एडवर्स क्लाइमेट के इफेक्ट से भी करो। तो ये केस आया,
सेकंड केस 2023 में आया अशोक कुमार राघव का वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई पिटिशनर्स ने क्या क्या सजेस्ट करा है कि इनेबल कैसे करें वो कोर्ट को टू पास डायरेक्शन ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयन स्टेट, कि कैसे ऐसी कोई डायरेक्शन दो जिससे कि हिमालयन स्टेट्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए और कैरिंग कैपेसिटी बढ़े। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जितना भी पॉपुलेशन साइज है, इकोसिस्टम है, वो सस्टेन कर पाए डिग्रेड हुए बिना, उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कह रहा है ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कासिम का केस था, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि ये जरूरत है इस समय की कि वेयर नेचर इज द कोर, हमें अपनी हर एक्टिविटी को, इन्वायरमेंट को सेंट्रलाइज करके काम करना पड़ेगा। कह रहा देखो हमें ना इंडियन हिमालयन रीजन्स को ग्रोथ एंड डेवलप करना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि वहां पे साइंस भी मिली हो, लोगों के राइट्स और नेचर के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा, हम किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब कह रहा है कि क्योंकि हम डिस्कस ही इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हिमालयन रीजन इंडिया का क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में अगर समझोगे तो हिमालयस बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ पर टेक्टोनिकली आपकी एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पर मैसिव आपको यूरेशिया और नॉर्दर्न वर्ल्ड जो भी ये टकराती हैं प्लेट्स उससे ये तैयार हुआ है। अब इंडियन हिमालयन रीजन हमारे 13 स्टेट और यूटीज में आता है, 2500 किलोमीटर तक ये हमारे देश में फैला हुआ है, 18% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया आप समझ लो वो हिमालयन है, 50% यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बायोडाइवर्सिटी लगा लो आप है। अब जो ये इलाका है ना ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है कुछ प्लांट और एनिमल स्पीशीज के लिए, ठीक है, ये इसका एक पूरा पूरा भाग है समझ लो आप हिमालयस का, ये क्लास 9th की NCERT से उठाया गया पूरा मैप है ये। अब इसके बाद आता है इंडियन हिमालयन रीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। तो कह रहा सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेस, कह रहा इस रीजन को अर्थ का वाटर टावर माना जाता है। कह रहा क्यों, कह रहा सबसे ज्यादा हिमालय ही तो है जो रिवर्स को पानी पिलाता है, फीड करता है। कह रहा कैसे, कह रहा गंगा यमुना इंडस ब्रह्मपुत्र, आप ये समझ लो ये 1.4 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड के लिए है पानी, और हमारा ग्लेशियर भी इसी से सरवाइव कर पा रहा है। फिर दूसरी बात ये है हमारे हिमालयन रीजन की इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम सर्विसेज देता है ये, कह रहा हमें यहीं से खाना मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, जेनेटिक रिसोर्सेज हमें यहीं से मिल रहे हैं। फिर रेगुलेशंस का क्लाइमेट भी रेगुलेट करता है ये, कह रहा फ्रिजिड और ड्राई आर्कटिक जो विंड्स हैं जो साउथ की तरफ सब कॉन्टिनेंट में ब्लो कर रहे हैं, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर फॉर द मानसून विंड्स, कीपिंग देम फ्रॉम ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड की तरफ ये चलता है और वहाँ पे राउंड रेनफॉल करता है। अब अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो हाई एल्टीट्यूड यहाँ पे लेक हैं, माउंटेन पीक्स हैं और सीक्रेट नेचुरल साइट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इको टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, एडवेंचर टूरिज्म यहीं पर है, अमरनाथ बद्रीनाथ जैसी रिलीजियस टूरिज्म भी आपको यहीं पर मिलते हैं, करने का मौका यहीं मिलता है आपको। अगर ये नहीं होता ना, आप यकीन मानो जो सारी की सारी गर्म हवाएं को आपके डेजर्ट से निकल के वे आती है ना सेंट्रल एशिया की, वो हमारे को यहाँ पर पूरा डेजर्ट बना देती है इस रीजन को। हिमालयन रीजन्स की वजह से ही हमारा नॉर्थ इंडिया को इतनी ठंडक और इतनी रेनफॉल और इतनी मानसून विंड को ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, और हमारे वहाँ के पूरे बर्फीले और ड्राई आर्कटिक विंड्स को बनाने से रोक रहा है। हिमालयस का ही देना है, लेकिन यहीं पे आपके कुछ चैलेंजेस हैं IHR के साथ, यानी इंडियन हिमालयन रीजन चैलेंजेस। पहला क्या, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा कैसे, कह रहा यहाँ पे समस्या हो गई डिफॉरेस्टेशन की, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा हो गया है कि वन को काटते चले गए, फिर जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो आप छेड़ देते हो। कैसे, कह रहा मेगा मेगा बड़े बड़े हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना, कह रहा टेहरी का डैम देखो आप, टेहरी डैम में यही है, इसकी वजह से आपका नेचुरल फ्लो वानी का ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फिर एक दिक्कत नहीं है, तीन दिक्कतें हैं, माइनिंग एंड ब्लास्टिंग होती है माउंटेन्स की, आपका चारधाम प्रोजेक्ट हुआ, कितने सारे इंसिडेंट आए डिजास्टर के। फिर कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर 2023 अभी पुराना ही केस है जोशीमठ का, उत्तराखंड में क्या हुआ जोशीमठ में, क्योंकि वो जोशीमठ सिंक हो गया था, डूबने लगा था, तो उत्तराखंड में देखो क्या हाल हो गया, फ्लड लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश की आपको पूरी याद रखनी चाहिए, ग्लेशियर आउटब्रेक हुआ तो वहां पर हाउस बस इस तरह का सिक्किम में था कि रोड सारे जाम हो गए, उत्तरकाशी में सिकैरा बार को टनल टूट गया। तो कह रहा है ये सब हुआ क्यों, कह
ना, उसके कारण यही है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कह रहा है टूरिज्म राइज कर चुका है। आप सोचो हर साल इंडियन हिमालयन रीजन्स पे 100 मिलियन टूरिस्ट वहां जाते हैं, और ये नंबर 100 मिलियन से 240 मिलियन 2025 तक हो जाएगा। अब जब इतने सारे लोग वहां पे जाएंगे तो रिसोर्सेस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। कह रहा नीति आयोग ने ये बताया कि आप ये समझ लो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस इलाके का 10% से भी ज्यादा है। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कह रहा इस लोग इसरो के सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि जो ग्लेशियर्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन्स में वो बुरी तरह से मेल्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स का बहुत थ्रेट है। वाटर का क्राइसिस और भी दिक्कत करता है। कह रहा 4 मिलियन स्प्रिंग्स हैं हिमालयाज में, 33% ड्राई कर रहे हैं। कह रहा जो वाटर प्रॉब्लम है शिमला की, दूसरे हिल टाउन्स की, वो और दिक्कत कर रही है। फिर फ्लॉप पड़ता है एनवायरनमेंट के क्लियरेंस सिस्टम में। अब डिस्पाइट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बीइंग एक्यूटली अवेयर ऑफ द स्पेशल नीड्स, रीजन वल्नरेबल है। फ्रेजिलिटी पूरी तरह से सेपरेट ही हो चुकी है। तो फ्लॉज है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में भी दिक्कत है। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारा इंडियन हिमालयन रीजन प्रोटेक्ट हो पाए? उसके लिए हमने बनाया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। यानी हम इस मिशन के तहत हिमालयन रीजन्स की सारी वल्नरेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। फिर हमने इंडियन हिमालयन क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम बनाया ताकि क्लाइमेट साइंस और इस पे काम चल पाए। फिर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाए, अल्पाइन पेशर्स का, फॉरेस्ट का, ये सारी चीज़ों का। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल भी है। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्ट किए गए। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है सबसे पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यानी हम हिमालयन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे हम हिमालयन स्टेट्स की। तो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, मॉनिटरिंग करना, ये सारा इसका काम होगा। सेकंड काम है सस्टेनेबल टूरिज्म का। हमें यानी बिजनेस प्लान में स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन पे हम काम कर रहे हैं। हमें इस पे काम तो करना ही है, साथ साथ स्मार्ट सिटीज में अब हमें शुरू करना है ग्रीन सेस, यानी सभी इन्वायरमेंटल सर्विसेज के लिए पेमेंट लेना शुरू कर दें हम, और इको सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दें IHR में। वाटर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए जैसे आपने सिक्किम में धारा विकास देखा ताकि स्प्रिंग्स रिवाइव हो पाएं और वाटर की क्वांटिटी क्वालिटी को डिटोरिएशन से बचा पाएं, उसके लिए जैसे आपने सिक्किम में किया है बाकी राज्यों में भी कर दो। कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए आप एक काम करो, ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ मिक्स कर दो। और लास्ट काम ये कर दो कि क्लियरेंस सिस्टम को इम्प्रूव करो। वहां पर क्या कर दो, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हर जगह पे वहां पे लोगों को भेजो, और उसका क्योंकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से ये पता चल जाएगा कि फला जगह का एनवायरनमेंट सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। उसको चेक करते रहोगे तो भी आप बचते रहोगे। ये सारे चेकर्स आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि आप इंडियन हिमालयन रीजन्स को बचा पाओ। बात आप समझ गए यहाँ तक? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तक। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखो नीति आयोग ना, जैसे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, अभी हमने पढ़ा IHR में जरूरत पड़ गई देखो उसकी भी, ऐसे ही नीति आयोग ने जो कि हमारी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बॉडी बनाई गई थी, तो ये आपकी जो बॉडी है इसने कहा भाई कि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, स्टडी फॉर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ग्रेट निकोबार में है ये, उसकी स्टडी के लिए बनाया। अब ये है क्या और क्या ज़रूरत पड़ी है कि ग्रेट निकोबार पर हमें ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ी? क्या ना ये इसलिए प्रपोज हुआ क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड की चली रही है, प्रोजेक्ट मांडमान निकोबार में चली रहा है, क्या ना इसीलिए हमने इसको लेकर आया। अब देखो ऐसी रिपोर्ट में क्या फाइंड आउट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ये पता चला कि इसको करने से हमें ये समझ आ गया यहाँ पर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अच्छा चल रहा है और लैंड वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, ये भी हमें पता चला। नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ ये पता चला कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, और जो अपना लैंड है वो ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए बना हुआ है, और दूसरा आउटसाइड पॉपुलेशन का इन्फ्लक्शन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेसी बहुत कम है। अब आपको मैं ले चलती हूँ ग्रेट निकोबार आइलैंड की ओर। ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है, ये आप जानते ही हो।
अब ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो एरिया है वो 910 स्क्वायर किलोमीटर का है। और याद रखना ये बात अच्छी तरीके से आप, कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये आपका अंडमान निकोबार आर्किपेलागो का पार्ट है, और अंडमान निकोबार आइलैंड ऐप के 836 आइलैंड से बना हुआ है। देख रहे हो आप, ये ग्रेट निकोबार आपका ये रहा नीचे, सारे के सारे आइलैंड जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है ऑन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो आपके सदर्न मोस्ट टिप पर है निकोबार वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड पे, और ये पोर्ट ब्लेयर से 520 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पे एक इंदिरा पॉइंट कभी होता था जिसको हम पिलमेनियन पॉइंट कहते थे, तो ये टिप पे था ग्रीन ग्रेट निकोबार आइलैंड के। इसका हेडक्वार्टर कैम्बल बे है ग्रेट निकोबार आइलैंड का। इकोलॉजिकल करेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं इसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो भी ट्रॉपिकल वाले, माउंटेन रेंज भी है, फौना भी यहाँ पर आपको अच्छी से, यहाँ पे क्रैब इटिंग मैकाव मिलेगा आपको है ना, और सरपेंट ईगल मिलेगा। फ्लोरा यहाँ पर कौन कौन सा है, ये सारे हैं, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स हैं, लाइकन्स हैं, आपका इकोलॉजिकल लैंडस्केप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए कह रहा है कि ये ना वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड करा जाए और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का ये पार्ट है। सोशो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखोगे तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन सी हैं, मंगोलाइट, शाम्पेन निकोबारीज और सेटलर्स हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर टॉपिक आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कौन कौन से लोग जुड़े हैं। देखो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट जो प्रपोज हुआ वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग मिलकर कर रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस भी है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये सारे लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल यहाँ पर ना देखो, यहाँ पे ना ये भी दे रखा है कि ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जैसे आप कर रहे हो तो उसकी लोकेशन शास्त्री नगर गांधीनगर में है, कैंपल बे जो है ना विलेज वहीं पर है इसका, 4,000 पैसेंजर्स को पी कार में ये हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का यहाँ पर बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट की ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्यों ज़रूरत है, कह रहा क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंदिरा पॉइंट है 24 से 40 किलोमीटर इंटरनेशनल सी रूट से, क्योंकि 20 से 25% ग्लोबल सी ट्रेड यहाँ से होगा, 35% वर्ल्ड का ऑयल यहाँ से सप्लाई हो जाएगा, इतना इमेंस पोटेंशियल है इस जगह का, इंडिया की ट्रेडिंग पोजीशन को वर्ल्ड में अच्छा कर देगा। करेंटली 75% जो यहाँ पर कार्गो जा रहा है वो आउटसाइड इंडिया यहीं से जाता है, कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग, ये सारा यहीं से हैंडल कर रहे हैं। तो कह रहा है एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ट्रेड अच्छा कर देगा, दूसरा आपके फॉरेन पावर्स के कंसोलिडेशन को काउंटर करेगा। कह रहा मिलिट्री एक्सपेंशन करना चाहते हो, पोर्ट क्रिएशन चाहते हो आप, क्योंकि फॉरेन पावर जो आपके इंडियन ओशन रीजन में, अगर उसकी प्रभाव को आप चाहते हो ना, कह रहा अगर आप चाहते हो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को रोकना, इनसर्कल करना, तो आपको इसके काउंटर में कुछ करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रेट निकोबार आइलैंड में कि आप वहाँ पर ये काम करो, फिर इम्प्रूव करो, वहाँ की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड को आपने अच्छे से बसा दिया तो वहाँ पे शिपिंग, हेलीकॉप्टर अच्छे हो जाएंगे, लार्ज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स होंगे तो उनकी कैपेसिटी अच्छी होगी तो अच्छा काम करेंगे, फिर प्रमोट होगी सस्टेनेबल टूरिज्म, हाई एंड टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एडवेंचर टूरिज्म के लिए आ जाएगा, बीच के लिए आ जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, स्कूबा डाइविंग यहीं पर होती है उनके लिए मजा आ जाएगा। ग्रीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का देखो इससे क्या होगा, इससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैप बढ़ेगा, प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी स्नैक सिटी से, कई सारे आइलैंड्स में आपके यहाँ अपकमिंग हो सकते हो आप। तो कंसर्न भी है, इतना आसान नहीं है ये करना। कंसर्न सबसे पहला एनवायरनमेंट कंसर्न है, कंस्ट्रक्शन करोगे सॉइल की टॉप सॉइल को आप हटा दोगे, वेस्ट का क्या करोगे जो सीवेज से निकलेगा, ये समस्या। मैनग्रोव का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर पुअर कंस्ट्रक्शन हुई तो वो अफेक्ट कर जाएगा मैनग्रोव्स, नेस्टिंग सी टर्टल्स की हैचिंग वो आप मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर फौना की थ्रेट है, एक थ्रेट नहीं है कि फ्लोरा ही गया फौना भी जाएगा। कह रहा गलथे बे में ICTT ने बताया वन ऑफ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ये लेदरबर्ग टर्टल्स की। अब और ये जो आपका लेदरबर्ग टर्टल है ये आपका स्पीशी जो है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आता है, इसको पहले ही थ्रेट है आप और फैचाओगे। फिर सोशली जो 2022 में ट्राइबल काउंसिल बैठी यहाँ पर ग्रेट निकोबार लिटिल आइलैंड के अंदर, तो उसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर दिया। कह रहा है यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ट्रांसपेरेंसी हेस्टी कंसेंट नहीं कर सकते हम, जो पोर्शन है ये रहने लायक नहीं है यहाँ पर लैंड का, ये दिक्कत। फिर हेल्थ, कह रहा है शॉम्पेन रहती है यहाँ ट्राइब,
विच हैड लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, उनको कैसे समझाओगे? और यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज का बहुत वो दिक्कत है, उसको कैसे रोकोगे? फिर नेचर का डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, हाई सिस्मिक जोन है अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पर है, डेवलपमेंट कर दिया आपने, पता चला जी कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट पड़ गए, ये तो दिक्कत है। अब क्या तरीका अपनाएं जिससे कि सब दूर हो जाए? तो मिटिगेशन करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट निकालो सबसे पहले। अभी हमने जब हिंडन हिमालय सिस्टम पढ़ा तो वहाँ पे भी बोला ना, ऐसे यहीं पे भी करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने से पहले मेजर लैंडस्केप चेंजेस को नोट करना शुरू करें। ब्रीडिंग सीजन में लेदर बैक टर्टल्स के सीजन में नवंबर टू फरवरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखें, सोडियम का वेपर लाइट चेक करें, सॉलिड वेट मैनेजमेंट को चेक करें, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लें जिससे कि आप ऐसा ना हो कि शॉम्पेन एरिया को ही आपने घेर के बैठ गए उनके इलाके को ही। और राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन वाले पे चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप डिस्प्लेस लोगों को भी थोड़ा ऐसे उड़ा के फेंक दोगे, उनको भी तो कोई कॉम्पनसेशन ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी आपको। तो इसी बात पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यूसीजी। अब देखो इस टॉपिक में क्यों आया, ये क्यों आया, उसका कारण है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकाला है झारखंड के जमतारा डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो ये पूछ लेगा जमतारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो याद रखना झारखंड में है। इस इलाके में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। 2015 में क्या हुआ था, आपका जो ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है इसका जो प्रोग्राम है, पूरा पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है कोल एंड लिग्नाइट बेयरिंग एरियाज में, ये अप्रूव किया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। और इसी पॉलिसी के तहत कोल इंडिया सेलेक्ट हुआ था कास्टा कोल ब्लॉक ऑफ जमतारा डिस्ट्रिक्ट में, और तभी से ये इम्प्लीमेंट करने की बातें हो रही थी। अब समझना ये है, ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? ये बेसिकली ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पर कोल एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जो कोल है ना उसको गैसिफाइड या आप कह लो सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करा जाता है, या सिन गैस कह लो आप। ओरिजिनल कोल को कैसे क्या बना था, कोयले को यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट करा जा रहा है। यहाँ पर आप समझो जैसे हाँ यूसीजी गैस को सिमिलर सरफेस कोल गैसिफिकेशन की तरह होता है। जब आप करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, मिथेन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा। अब जो ये इन सीटू कम्बशन है कोल का, इस प्रोसेस में आप स्टीम इंजेक्ट करते हो, हाँ एयर इंजेक्ट करते हो, फिर ये 100 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ले जाते हो, और फिर यहाँ पे कोल टाइप के अकॉर्डिंग टेम्परेचर प्रेशर देख के उसी हिसाब से एयर ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, ये होता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में। देखो कैसे यहाँ पे लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, लो एयर में इमिशन, CO2 को सेपरेट करा जा रहा है, गैस को क्लीन करा जा रहा है, फिर ऐश जो या जो कार है आपके कोल के इसको स्ट्रेस करा जा रहा है, इसमें से ऑक्सीजन वाटर को इंजेक्ट करा जा रहा है, फिर CO2 को सेपरेट करा जा रहा है, उसके बाद जाके सब चीज़ें निकलनी शुरू होंगी, समझ रहे हो? अब जब ना हम ना अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन करते हैं ना, तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो देखो इलेक्ट्रिसिटी, हॉट सिन गैस फ्रॉम यूसीजी को ये बनाना ही पड़ेगा, स्टीम निकलेगा, खूब धुआं वो निकलेगा। अब जब निकलेगा स्टीम तो फिर टर्बाइन आपका इलेक्ट्रिसिटी का रन करेगा, रन करेगा तो उसमें से आपका क्या निकलेगा, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है वो टर्बाइन को हिलाएगी। अब सिन गैस को आप केमिकल फीड स्टॉक की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे आप मिथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहो, अमोनिया, केमिकल प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन की भी प्रोडक्शन होती है, कोल एक ओब्वियस सोर्स है हाइड्रोजन का और पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट है नियर जीरो कार्बन एनर्जी कैरियर। तो आपका जो ये है ना यूसीजी जो है ये एक हाइड्रोजन जनरेटर की तरह भी काम करता है, और जब आप इसको कभी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के साथ मिक्स कर दोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी निकालता है ये, इंडियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा पता चला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी बड़ा उपयोगी है। यानी कि अब हमें पता चलना चाहिए कि यूसीजी का बेनिफिट क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा जो अनमाइनेबल कोल है उसका हम एक्सेस कर सकते हैं। यूसीजी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट को ओपन करता है, चाहे वो एक्सेस करना हो ट्रिलियंस ऑफ टन्स उसको भी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करता है, सिवरल आपकी जो एक्सपेंसिव प्रोसेस यूनिट है उसके कंपोनेंट्स वगैरह को, और एनर्जी की डेंसिटी कंपेयर टू टिपिकल कोल बेड मिथेन एक्सट्रैक्शन करना, ये सारा काम ये करता है, एनर्जी डेंसिटी का बेनिफिट भी करता है। और बेनिफिट ये करता है कि ना इम्पोर्ट का डिपेंडेंस आपका हटेगा,
आपका इस पे ना देखो एनवायरनमेंट पे जैसे इम्पैक्ट पड़ता था, कोल माइनिंग, हैंडलिंग वैंडलिंग, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। और आप इससे देखो क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली यूसीजी में एक यूनिक पोटेंशियल है, ये आपका हीटिंग वैल्यू रिकवर करता है हाई ऐश कोल से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए तो इनिशिएटिव लिया कोल गैसिफिकेशन का, नेशनल कोल गैसिफिकेशन हमारा मिशन है कि 2030 तक हम चाहते हैं 100 मिलियन टन्स का हम इसमें से निकाल लें। स्कीम हमने ये भी चलाई कि PSU और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आके काम करें, जॉइंट वेंचर के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है इसमें। लेकिन इतना आसान नहीं होती है कोई भी चीज़, कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न्स है इंड्यूस सब्सिडेंस, यानी कि जो यूसीजी से वॉइड क्रिएटेड बाय यूसीजी, इससे आपके रिमेनिंग कोल एंड सराउंडिंग रॉक्स पर डिफॉर्मेशन की समस्या हो सकती है, उसकी फॉर्मेशन ही खराब हो जाएगी। ग्राउंड वाटर को ये प्रदूषित करता है, क्यों? क्योंकि जो केमिकल कोल सीम से निकलेंगे ना, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत खराब है, ग्राउंड वाटर के सोर्स को सारा कंटेमिनेट कर देगा, प्रदूषित कर देगा। और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही हमारे देश में, हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो लगता है सिन गैस वगैरह डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को निकालने में। फिर अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, ग्रोथ और कैविटी, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर इन्फ्लक्स, ये सारा का सारा होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस रिएक्शंस होंगे यहाँ पर, उसके रेट्स पे अफेक्शन आएगा, बस समझ रहे हो। तो अंडरग्राउंड कोल वैसिफिकेशन में हालांकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, कोल को वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में बनाता है ये, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम और इंसेंटिव दोनों आना पड़ेगा ताकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों अट्रैक्ट हो, इनोवेशन सुधरे हमारी, और सस्टेनेबल तरीके से हम कोल सेक्टर को डेवलप कर पाए। ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑफशोर विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू दी ऑफशोर विंड एनर्जी। अब ये क्या होती है भाई, क्यों न्यूज में रही? तो रिसेंटली कैबिनेट ने बड़ा अच्छा काम किया, क्या वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लगा दी, ताकि ऑफशोर विंड स्कीम जो आपका है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, वो अच्छे से चल पाए, इम्प्लीमेंट हो पाए। अब आपका सवाल क्या होना चाहिए, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या चीज़ होती है? देखो वायबिलिटी गैप फंडिंग बेसिकली गवर्नमेंट की ग्रांट है, 40% गवर्नमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को अपनी तरफ से देती है, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको इकोनॉमिकली जस्टिस मिल पाए। जो भी ऐसी चीज़ें जो कि नॉट फाइनेंशियली वायबल नहीं होती है, तब गवर्नमेंट ऐसा करती है, समझ रहे हो। इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें काम करती है, जो सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ग्रांट्स के फॉर्म में, वन टाइम फॉर्म में, है ना, जैसे PPP वगैरह को दिया जाता है। तो ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग का सारा मतलब। अब इससे हम ये चाहते हैं, अब ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम ना 1 GW ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर पाए, कमीशन कर पाए गुजरात तमिलनाडु में। 2 प्लॉट पोर्ट्स हमने अपग्रेड करे हैं लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। इसमें हम चाहते हैं नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 की जो रियलाइज हो पाए। हम चाहते हैं पावर ऑफ कॉस्ट इससे हमारी रिड्यूस हो, और हमारा ये भी ध्यान है कि कार्बन डाइऑक्साइड 2.98 मिलियन टन्स रिड्यूस हो पाए 25 साल के लिए। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो मैंने आपको भी बताया ना, जिसमें पैसे की कमी आ जाती है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा जाता है भाई आओ। प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह को स्पॉन्सर भी करवाया जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराई जाती है, सरकार बहुत मदद करती है पूरे चल उसमें। अब ऑफशोर विंड एनर्जी क्या है, यानी कि जब आप विंड टर्बाइंस का यूज करके वाटर बॉडीज को जनरेट कराएं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ओशन और लेक्स को, लार्ज लेक्स को, उसको हम ऑफशोर विंड एनर्जी कहते हैं। अभी तक आप समझ लो 57 GW से भी ज़्यादा इसमें हमने इंस्टॉल करी है, 18 डिफरेंट कंट्रीज हैं इसमें, UK, चाइना, जर्मनी, डेनमार्क, ये सारी कंट्री हैं। कहता है क्या इंडिया में पोटेंशियल है? कह रहा बहुत। कह रहा कैसे? कह रही तुम्हारी तो कोस्टल लाइन ही 7600 किलोमीटर्स है, तीन तरफ से तुम्हारे तीन साइड जो पेनिनसुला वाला पार्ट बन रहा है उसमें पानी ही पानी है, तीनों साइड से आप पानी से घिरे हुए हो। इंडिया का ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल 695.50 GW है 120 मीटर्स के हिसाब से। तो कह रहा इतना पोटेंशियल है हमारे पास,
विंड एनर्जी प्रोफाइल इंडिया में फोर्थ आता है हम इंडिया में, तो आप सोचो कितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। अब दोनों बातों को समझो कि ऑफशोर ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फर्क क्या होता है। भाई मैंने ऑफशोर का आपको बताया कि टरबाइन को रखा जा रहा है शेलो वाटर बॉडीज के आसपास ताकि वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी निकाले। ऑनशोर में क्या करा जाता है, विंड टर्बाइंस को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं लैंड पे। ऑनशोर विंड पावर रेफर्स टू द विंड टर्बाइंस कंस्ट्रक्टेड एंड सिचुएटेड ऑन लैंड। यहाँ पर जो शेलो वाटर वगैरह पे रखा जाता है, यूजुअली ओशंस में यहाँ पर विंड फार्म्स को बिल्टअप किया जाता है। इसका फायदा है इलेक्ट्रिसिटी खूब जनरेट करता है, एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, इसमें फ्यूर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, लैंड एक्विजिशन का कोई क्राइसिस ही नहीं होता। ऑनशोर वाले के साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्विकर भी है, ट्रांसमिशन लॉस की भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस वियर एंड टेयर बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये लो इरोजन होता है ड्यू टू लेस मॉइस्चर। दोनों के फायदे देख लिए, अब नुकसान क्या होता है इसका, इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी डिपेंडेंसी बहुत कम है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है लोकल्स को, नॉइस पोल्यूशन करेगा बहुत ज़्यादा, विंड स्पीड यहाँ का कुछ पता ही नहीं, तो ये सारी इसकी समस्याएं हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है दोनों बातों को समझने के बाद आप सबसे पहले विंड रिसोर्स का असेसमेंट करो। आपको ये पता चल गया ना विंड एक इंटरमिटेंट और साइट स्पेसिफिक रिसोर्स है एनर्जी का। मैरीटाइम स्पेशल प्लानिंग करो, यानी कि एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिमोन्स्ट्रेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वायबिलिटी प्रोजेक्ट्स की बढ़ा दें, फीड इन टैरिफ्स का जो एक ड्राइव इन पॉलिसी है वो इसमें एक्सपेंशन वगैरह करें। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 है, उसका ये काम है कि वो अपने मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना ये काम कर पाए और इसको और ज़्यादा हम बढ़ा पाए। अदर कुछ ऐसे हमने चलाए, वैसे हमारा विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, ओशन एनर्जी वाला है, ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं ताकि हमारा ऑफशोर वाला पार्ट, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कोस्टल प्लेन कैरी कर रहे हैं, तो हम इसमें भी आगे बढ़ पाए। नाउ गाइस आवर टॉपिक्स हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ मूव टू द शॉर्ट्स पार्ट एज वेल। शॉर्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे न्यू रामसर साइट्स। क्या देखेंगे हम, न्यू रामसर साइट्स, कौन कौन सी नई रामसर साइट आई हैं देखते हैं सबसे पहले, फिर हम रामसर साइट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। देखो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है एक, तो दोनों आपकी कहाँ है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, रिकग्नाइज करी गई है। दोनों सेंचुरीज मैनमेड है, चाहे वो नागी हो या नकटी डैम हो, दोनों में ही ड्राइड एसिडुअस फॉरेस्ट है और गैंगेटिक प्लेन में लाई करती है। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोनों तरह की बर्ड्स आती हैं, रेसिडेंट भी हैं और माइग्रेटरी भी हैं, नाम आपके सामने दिए हुए हैं। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर शहर ईरान में शुरू हुआ, 1975 में ये आया फोर्स में, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है कि कैसे वेटलैंड का वाइज यूज हो। इंडिया इसका पार्ट 1982 में बना, 1982 में तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश हमारे मैक्सिमम साइट्स हैं यहाँ पर है। रामसर के अंदर लिस्ट ऑफ वेटलैंड यहाँ पर पूरी रामसर लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है ताकि उसको बचाया जा सके। अब देखो वेटलैंड जो रामसर लिस्ट में है इसका मतलब क्या है, पता कैसे चले कि ये वेटलैंड है, तो उसमें आपको ये देखा जाता है कि वेटलैंड इन द रामसर लिस्ट मीट एट वंस ऑफ द 9 क्राइटेरिया, सपोर्टिंग वल्नरेबिलिटी, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक इसी से बना हुआ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है जिसमें रामसर साइट वेयर चेंजेस, जैसे इकोलॉजिकल करेक्टर का कुछ चेंज हो रहा है, जैसे लोकताक मणिपुर का था, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से आपके वेटलैंड में कोई समस्या आ रही है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड। कब हुई, रिसेंटली हुई, कहाँ हुई वो आपको आर्टिकल 6 की याद दिलाएगा पहले। यानी ड्यूरिंग पहले ना कॉन्फ्रेंस में प्रोग्रेस ये मेड हुई कि भाई हम अडेप्टेशन इंडिकेटर्स पे काम करेंगे, आर्टिकल 6 जो हमारा पेरिस कॉन्फ्रेंस का था, पेरिस क्लाइमेट डील का, कि इमिशन रिडक्शन गोल्स वगैरह के उस पे काम करेंगे, और यहीं से न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड कोल भी यहाँ पर हमने तैयार करा गया। अब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड कोल क्या है, इट वॉज प्रपोज इन COP21 ताकि हम क्लाइमेट फाइनेंस गोल को तैयार कर पाए। तो 2009 में जो पार्टीज थी UNFCCC की, उसमें हम $100 बिलियन को मोबिलाइज करना चाहते हैं बाय 2020 और इसको 2025 तक एक्सटेंड भी कर देंगे। अब इसी में ही मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम है COP26 में इस्टेब्लिश करा गया ताकि हम अर्जेंटली मिटिगेट कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, ताकि हमारा ऑपरेशनल से ये सारी चीज़ें बच पाए, है ना, इसीलिए हम चाहते हैं। फिर हम ना ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा ना
ऑपरेशनल इमिशंस हमारे रिड्यूस हो, हमारा एक बिल्डिंग एनवलप तैयार हो, हम ना एम्बॉडेड इमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है 67th ना GEF, बोले तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की काउंसिल मीटिंग हुई, 67 थी, इसमें 736.4 बिलियन मिलियन डॉलर्स फंडिंग करी गई। अभी फंडिंग की किन को जाती है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी आता है, इसमें ग्रीन ग्रेट ग्रीन वॉल वाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है, दो इंडियन प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर ताकि उनकी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, को हैबिटेट है जिसमें आप कंजर्वेशन की सोच रहे हो, वेटलैंड फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड्स की। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कौन करता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अब GEF है क्या, कब आया? कह रहा 1992 में रियो समिट में आया था, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर्स है, इंडिया इसका मेंबर है। GEF को ट्रस्ट करता है आपका वर्ल्ड बैंक, ये एड्रेस करता है वर्ल्ड के मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज को। अब इसका कन्वेंशन अंडर GEF क्या है? क्योंकि भैया इसमें बहुत सारी कन्वेंशन बनी है, मीना माता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉक हॉल्म वाली, यूनेफ, ये सारा इसी के अंदर आता है। फंडिंग तो क्योंकि यही करता है ना, इसलिए बनाया गया है। नाउ मूव टू दी कि भैया 30 साल हो गए किस चीज को, UNCCD को 1992 में अलॉन्ग साइड UN फ्रेमवर्क बनाई है आपका। अब ये कब आया? 1994 में UNCCD आया था, UNCCD क्योंकि रियो कन्वेंशन 1992 में हुई, उसके बाद 1994 में UNCCD आ गया। अब ये सोल लीगली बॉडी है इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में जो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ लेके चलने की बात करती है, 196 कंट्रीज का पार्ट है यूरोपियन यूनियन को मिलाकर। अब ये करती क्या है? ये बेसिकली इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ये चाहती है कि ये प्रोटेक्ट कर पाए, लैंड को रिस्टोर कर पाए और एक सेफर, जस्ट एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार कर पाए। एक रिपोर्ट भी निकालती है UNCCD, ग्लोबल लैंड आउटलुक। अब इसने क्या कुछ मेजर काम किए हैं? बिल्कुल, 2015 में इसने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को सेटअप किया था, 2017 में इसने स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को बनाया था, और भी ऐसे ही कई इनिशिएटिव्स को इसने लिया है। अब लैंड डिग्रेडेशन का इशू क्या है? लैंड डिग्रेडेशन समस्या क्या होती है? लैंड डिग्रेडेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी लैंड की डिग्रेडेशन या उसका लॉस होना। लैंड डिग्रेडेशन जहां पर भी होगा उससे 40% वर्ल्ड का एरिया अफेक्ट करेगा। इंडिया में 32% जो लैंड है वो डिग्रेड हुआ, और ऐसा कहा जा रहा है 25% अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन भी है। ठीक है, तो ये फैक्ट एंड फिगर्स आपको अपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कह रहा अकॉर्डिंग टू स्टडी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर हम देखें तो इसका काम क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के इमिशंस को रिड्यूस करना। कह रहा ये इम्पैक्ट है ऑन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, अर्थ की एनर्जी बैलेंस पे, ग्लोबली एवरेज क्लोरीन पर। HCFC क्या है? HCFC में मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन अलग से, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सारा कुछ इसमें मिला होता है। ऐसे ही जो HCFC-22 है इसमें बहुत अबेंडेंट HCFC होता है और ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है इस थाउजेंड ऑफ टाइम मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। HCFC कहाँ से निकल रहा है? कह रहा है एयर कंडीशनर लगाते हो, रेफ्रिजरेंट करते हो, कोल्ड स्टोरेज, वहीं से तो निकल के आ रहा है। कुछ बहुत माइनर डिक्लाइन हुआ है, वरना बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। HCFC जो 141B है ना, इसको ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही 141B में और भी जगह जगह पे यूज़ हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? अगर 1987 में साइन हुआ, ग्लोबल ट्रीटी है एलिमिनेट करने का प्रोडक्शन को, वियना कन्वेंशन के अंडर आती है। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 2016। ये सारा कुछ तैयार करा जा रहा है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बेसिकली क्या है? ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं, इसमें क्लोरीन, ब्रोमाइन वगैरह है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में जब भी पहुंचेगा तो इसमें पे कैटलिटिक रिएक्शंस करेगा। ओजोन को कहा जाता है ओजोन फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर इज वेरी हार्मफुल, इसको बैड ओजोन कहते हैं। ये देखो नई जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। अदरवाइज ओजोन कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में बनेगा समझ लो बैड ओजोन है, वो हार्मफुल है बहुत। स्ट्रेटोस्फेयर वाला ही गुड ओजोन माना जाता है, 10 से 40 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अबव, क्योंकि वही है जो हमें अर्थ के प्रोटेक्ट कर रहा है यूवी रेडिएशन ऑफ सन, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद नई जानकारी के लिए चलते हैं हम एंटार्कटिक ट्रीटी पर। 46 ट्रीटी कंसल्टेशन मीटिंग हुई
और 26 कमेटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंक्लूड की गई। अब इसको होस्ट कौन करता है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको फॉलो करती है। अब ये ना बेसिकली क्या करते हैं, ये ना आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना अंटार्कटिका का, और ऐसे कुछ डिसीजंस लेना अंटार्कटिक ट्रीटी के लिए ये काम करते हैं। अब अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या? देखो वॉशिंगटन में साइन हुई थी 1959 में, 12 कंट्रीज इसका पार्ट थी और ये फोर्स में 1961 में आई। 57 आउट ऑफ विच 29 आर कंसल्टेटिव पार्टी, इंडिया भी इसमें कंसल्टेटिव ही मेंबर है। अंटार्कटिक में हम करते क्या है? देखो पीसफुल पर्पजेज के लिए यूज हो, साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, न्यूक्लियर डिस्पोजल ना किया जाए, वेस्ट डिस्पोजल ना किया जाए। इंडिया का इनिशिएटिव अंटार्कटिक के लिए क्या है? तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने दो रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। क्या क्या? एक तो हमने दक्षिण बनाया, गंगोत्री बनाया। इंडिया करेंटली दो रिसर्च स्टेशन के साथ साथ मैत्री और भारती भी बना चुका है। तो यहाँ इंडिया ने अनाउंस करा है कि हम अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकेंड भी लाएंगे। 2022 में अंटार्कटिक एक्ट आया हमारे यहाँ, ताकि हम अंटार्कटिक ट्रीटी से एकदम रूबरू होकर उसी पर चलें। तो उसके रिलेटेड फिर हमने कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार करे, कुछ कन्वेंशन वगैरह तैयार करे, वो लगातार चलता रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कलेक्टिव इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। रिसेंटली इसको यूएनडीपी ने चलाया। अब सीआई क्या होता है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस होता क्या है? कहना जहाँ पे सभी लोग मिलकर टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन आइडियाज़ को मोबिलाइज करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करता, या क्राउड सोर्सिंग होता है, रिमोट सेंसिंग होती है, इनसे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी टैकल हो जाएगी। तो सीआई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि कंबाइंड कर मोस्ट देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स का इस्तेमाल करना। अगर क्लाइमेट चेंज को हम रोकना चाहते हैं, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। क्या इससे डेटा गैप की समस्या सुलझ जाएगी? डूइंग गैप यानी गेटिंग मोर पीपल इन्वॉल्व क्लाइमेट एक्शंस में, इससे मॉनिटरिंग अच्छी होगी। डाइवर्सिटी गैप, सभी कम्युनिटीज़ को बुला लो। और डिक्रीज क्या होगा, डिस्टेंस गैप। सीआई से कलेक्टिविटी अगर आप बढ़ाते हो ना अपनी, तो इससे ना दो वे एक्सचेंज होगा। साइंटिस्ट भी मिलके, लोकल कम्युनिटी मिलके काम जो करती है ना, और जो उससे निकल के आएगा वो बहुत ही अलग चीज़ होगी। फिर डिसीजन मेकिंग गैप भी इससे क्लोज होगा गैप, तो ये बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल कह रहा है, कह रहा है देखो इंडिया में ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस का आज ही से नहीं है, कह रहा हमारी एग्रोली ऐप है वो रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग बताती है, फार्मर्स को हेल्प करती है एंड क्रॉप इन्फॉर्मेशन देती है। कह रहा ऐसे ही वाटर एसोसिएटेड इन्फेक्टियस डिजीज इन इंडिया, वो भी ऐसे ही करता है, वाटर बॉर्न डिजीज का हम एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे ही डिक्रा है, GOAI ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे कलेक्टिव इंटेलिजेंस की तरह ही काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है यूनेस्को रिलीजेस स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। तो जहाँ रिपोर्ट आ जाए वहीं पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है यूनाइटेड नेशंस की डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है ये। इसने ओशन रिलेटेड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करा है, उसका करंट एंड फ्यूचर स्टेट। इसने क्या बताया इस रिपोर्ट में? सबसे पहले रिपोर्ट निकालता कौन है? यूनेस्को। कौन सी रिपोर्ट निकाली है? स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। इसने वॉर्न किया कंट्रीज को कि ओशन बहुत गर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, 20 ईयर्स से कंपेयर करोगे तो ट्वाइस। कह रहा ओशन का टेम्परेचर 1.45 डिग्री बढ़ रहा है, हॉटस्पॉट अबव 2 डिग्री है, मेडिटेरियंस, सदर्न ओशंस, ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा यहाँ बुरा हाल है। सी लेवल राइज कर रहा है, जिसकी वजह से कह रहा ग्रीनलैंड वगैरह में देख लो एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। डी ऑक्सीजेशन है, यानी कि ऑक्सीजन का जो कॉन्टेंट है ना ओशन में वो डिक्रीज हो रहा है, इससे हाइपोक्सिया हो रहा है। ओशन हीट इतनी पड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा वहाँ की स्पीशीज का। फिर कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, कह रहा मैनग्रोव सी ग्रासेस सोचो जो आप उनको क्या होगा, वो वार्म होती जा रही है, एसिडिक होती जा रही है, कार्बन को स्टोर करने का सबसे इंपॉर्टेंट साधन ही वही था। अब इसकी प्रोडक्शन कोई गारंटेड तो है नहीं, लॉस तो होता जा रहा है ना। की रिकमेंडेशंस पे काम करो, कुछ स्पेशल प्लानिंग करो प्रेशर मरीन इकोसिस्टम पे, ताकि कम पड़े, ग्रेटर एफर्ट दिखाने पड़ेंगे, इंडिजिनस लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ग्लोबल ओशन लिटरेसी बिल्डअप करनी पड़ेगी। और इसी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन प्राइसिंग। अब स्टेट्स एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 की बात कर रहे हैं, कह रहा है इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू क्या है बेसिकली, 2023 में आया, कह रहा है एक्सीड कर गया $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। 75 आप लगा लो ग्लोबल और सीपी इंस्ट्रूमेंट इसमें मिला है, कह रहा ब्राज़ील, इंडिया, टर्की इसका पार्ट है। कह रहा कार्बन प्राइसिंग होता क्या है, कह रहा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉस्ट बताता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना हुआ,
चाइना एंड इंडिया लार्जेस्ट होस्ट कंट्री है जो इशू करती है कार्बन क्रेडिट्स को। अब कार्बन प्राइसिंग समझ गए आप क्या होता है? अब कार्बन प्राइसिंग के टाइप्स क्या हैं? इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, कहना एक ऐसा सिस्टम जहाँ इमिटर देख के चेक करता है कि आपने कितना इमिट किया है। एक कार्बन टैक्स भी लगता है, कितना कार्बन टैक्स आपका क्रेडिट लगा है। अब सीपी करने के बेनिफिट क्या होंगे आपको पता चल जाएगा, कितना पोल्यूटर के ऊपर कितना डैमेज का लगाना है पैसा, कितना उससे पेनल्टी कितनी लगनी है उसकी, या उसने कितना डैमेज करा है, इमिशन कितना करा है। और आप पेरिस अग्रीमेंट पे भी चल पाओगे क्योंकि आपको पेरिस अग्रीमेंट में आपने यही कसम वादे खाए थे कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को धीरे धीरे कम इमिशंस में लेकर आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो स्टेप्स क्या है कार्बन प्राइसिंग का? कह रहा 2023 में इंडिया ने ऑलरेडी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम चलाई, पैट स्कीम चलाई हमने, जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसीज पे काम कर रही है। हम क्लीन एनर्जी सेस लेते हैं पर टन कोल ऑफ 400 रुपये लेते हैं ग्लोबली। तो क्योटो प्रोटोकॉल और आर्टिकल 6 तो है ही पेरिस क्लाइमेट का, आर्टिकल 6 याद रखना पेरिस अग्रीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अभी वाटर क्रेडिट पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर क्रेडिट। देखो जो पैकेज वाटर मेकर नहीं है बिस्लरी, इसने ना वाटर क्रेडिट बोला है टू कार्बन क्रेडिट। बिस्लरी ने ना टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट करी जहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाया कि देखो जी वाटर क्रेडिट हम चाहते हैं कि आप एक उसका फ्रेमवर्क लेकर आओ बेवरेज इंडस्ट्री में। वाटर क्रेडिट क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जिसमें ना आप जैसे कार्बन क्रेडिट की मार्केट होती है ना, वैसे ही पानी को ताकि वाटर कंजर्वेशन इंसेंटिवाइज हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए चलाया गया। देखो कार्बन क्रेडिट में क्या होगा कि जिन भी प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स में हम ये देखेंगे कि भाई कार्बन इमिशन कितना हो रहा है, तो उसको अवॉइड और रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। हर क्रेडिट पर एक लेस टन कार्बन डाइऑक्साइड की आपको मिल जाएगी। हर इंडिविजुअल हर एंटिटीज को ये बोला गया है कि करो इस क्रेडिट्स को बेच सकते हो आप, ताकि वो दूसरे जिससे ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है उसको पास ये सर्टिफिकेट वो खरीद पाए, ठीक है ना। इससे आप असल में हम वाटर कंजर्वेशन चाहते हैं, समझ गए बात। अब वाटर क्रेडिट का फायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है? भाई वाटर स्ट्रेस खत्म होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही तो पूरा कर रहे हो छठा, क्लीन वाटर सैनिटेशन वाला प्रमोट कर रहे हो, वाटर सेविंग मेजर्स, समझ रहे हो, ये काम हो जाएगा। फिर चैलेंज क्या है वाटर क्रेडिट सिस्टम में? चैलेंज पता है क्या है? अनलाइक कार्बन इमिशन, वाटर सेविंग में लोकलाइज्ड अप्रोच ज़्यादा चलती है, रेनफॉल कंजम्पशन लेवल, उसके बाद ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम। फिर आप वेल्दियर एंटिटीज को कैसे प्रिवेंट करोगे फ्रॉम डोमिनेटिंग द मार्केट? तो ये बात है। उसके बाद पोटेंशियल अप्रोच की बात देखा जाए तो देखो वाटर क्रेडिट के लिए रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लेयर अप्रोच अपनानी पड़ेगी यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप ना ऑस्ट्रेलिया से सीख लो, वाटर वहाँ पे भी ट्रेड होता है मार्केट, मुर्रे डुरलिन डार्लिन है बेसिन है वहाँ पर, जहाँ पे फार्मर्स को आप हेल्प करते हो ताकि वो पानी का प्रोडक्टिव यूज कर पाए। तो ऐसा कुछ कर लो आप तो भी अच्छा कुछ कर लोगे। नेक्स्ट आपका आता है नासा का एक मिशन है प्री फायर। अब क्वेश्चन में आ जाएगा प्री फायर मिशन क्या है और प्री फायर मिशन में ये क्या फायदा कर रहा है। तो प्री फायर मिशन बेसिकली पता है क्या है? देखो नासा ने लॉन्च किया है स्मॉल क्लाइमेट सेटेलाइट ताकि ना वो अर्थ के पोल पे जो हीट लॉस हो रही है उसको जान पाए। तो नासा ने क्या करा, प्री फायर का फुल फॉर्म होता है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन दी फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अब ये करता गया, इसमें दो शू बॉक्स साइज क्यूबा सेटेलाइट्स होते हैं, क्यूबा सेट्स होते हैं। ये मिशन पता है क्या करता है कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रेडिएट जो है वो कितना हीट कर रहा है स्पेस को, पेरिस प्लैनेट के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइंटिस्ट को पूरी जानकारी मिल जाती है कि प्लैनेट अर्थ पे कितना हीट बजटिंग हो रही है। तो यानी आपको बैलेंस पता चल जाता है कि अर्थ पर कितना हीट आ रही है एंड द अमाउंट ऑफ हीट आउट गोइंग, कितनी बाहर जा रही है स्पेस में अर्थ से, बात समझ रहे हो। अब क्योंकि ना देखो यही फैक्टर्स होते हैं हीट बजट को बताने में, हीट बजट पे डिस्टर्बेंस होगी तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो इमिशन बढ़ेगा, थिकनेस ओजोन लेयर की कम होगी और ग्लेशियर पिघलेंगे। अगर आप समझो हीट बजट इम्बैलेंस हुआ एटमॉस्फेयर लैंड सबकी हीट इतना एक्यूमुलेट हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, आइस सारी मेल्ट कर जाएंगी, ओशन में एक्सेसिव हीट एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। हीट बजट का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है। कौन निकालता है इसको? यूनाइटेड नेशन स्टेट डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 2016 से पब्लिश कर रहा है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद से शुरू कर दिया है। 16% SDG टारगेट आर ऑन ट्रैक कह रहा है 2030 तक, कह रहा है SDG 2, SDG 11, 14, 15, 16 ये अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस है कुछ जगहों पर, कई जगह पर तो बहुत ही बुरा हाल है। नॉर्डिक कंट्रीज लीडिंग टू द मार्क, बहुत पुअर हाल है उनके। फिनलैंड अच्छा काम कर रहा है, स्वीडन डेनमार्क अच्छा कर रहा है, इंडिया की रैंक याद रख लो। अब जहाँ रैंक आ जाए बिल्कुल दिमाग खोल के काम करना, 166 कंट्री में इंडिया की रैंक आई है 109।
हमारी ट्रैक परफॉर्मेंस पॉवर्टी को कम करने, क्वालिटी एजुकेशन को देने, सस्टेनेबल सिटी क्लाइमेट एक्शन तक बहुत अच्छी है। न्यू इंडेक्स इसमें और जोड़ा गया है, उसको हम UNMI कह रहे हैं, वो भी बारबाडोस उसमें हाईएस्ट है, इंडिया का 139 प्लेस पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसने एक एजेंडा बना के दिया है, यूएन प्रैक्टिसेस को आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में सिग्निफिकेंट चैलेंज बता रहा है कि भैया टाइम पे कर लो, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया 2030 में आने पर, डू इट फास्ट। फिर यूनेस्को का ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप पे चलते हैं, यहाँ पे एक कैरिकुलम बनाया है इसने, क्या बनाया, एक मैनुअल प्रोवाइड करा है पहली बार कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट एजुकेशन में होगा क्या, कैसे कंट्रीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट टॉपिक्स को पढ़ाएं अपने कैरिकुलम में, मिनिमम स्कूल में बच्चों को शुरू कर दो, हाउ टू क्रिएट अ ग्रीन स्कूल। तो ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप में ये बहुत ज़्यादा ध्यान है, बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ाओ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बताओ उनको, उनको ये बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी। स्कूल की ग्रीनिंग का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे खाली उगा लो, इसका मतलब ये है कि स्कूल अचीव ग्रीन स्कूल एक्रेडिटेशन तभी जब वो क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट को टीचिंग फैसिलिटी ऑपरेशंस में डालेगा, अपने कैरिकुलम में डालो, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग एजुकेशन दो, कम्युनिटीज बनाओ कि लर्निंग सेंटर्स आगे बढ़ाओ, कि 50% लगा लो, 100 कंट्रीज में 50% ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज का कोई कैरिकुलम ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं, 70% यंग पीपल को क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन का कुछ पता ही नहीं है, तुम बताओगे नहीं तो अवेयरनेस कहाँ से फैलाओगे। तो इसीलिए कह रहा है, कह रहा है इसीलिए हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की 2020 में ग्रीनिंग एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब उसके बाद आता है EU का नेचर रिस्टोरेशन प्लान, इसमें भी हम पता है क्या कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट वाइड ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ निकाला है ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को हम कर पाएं खत्म, और ये बाइंडिंग है और इसमें फोकस एरिया यही है कि वाइट लैंड ग्रास लैंड सबको बचाया जा सके। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप का है एक, इसमें हमारा यही है कि हेल्थ और मेंटेन कर पाए हम वाटर सॉइल्स वगैरह को भी। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी FAO के द्वारा, इसका यही है कि हम ज़्यादा कोलाबरेशन पे काम कर पाए। 50th ईयर हो चुके हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लेकर, इंडिया ने लॉन्च किया था ये भितरकनिका नेशनल पार्क 1975 में UNDP और FAO की मदद से। क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल बहुत लार्जेस्ट स्पीशीज है, वर्टिब्रेट है, क्लास रिप्टीलिया, कहाँ रहते हैं, सॉल्ट वाटर स्पीशीज में रहते हैं, फ्रेश वाटर स्वाम्प में, लेक्स रिवर्स में रहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल है, इसमें बॉडी टेम्परेचर को खुद ही रेगुलेट करते हैं। तीन तरह के मेन होते हैं, मेजर थ्रेट हैबिटेट इशू और एक प्रिडिक्शन की वजह से ही है, इलीगल पोचिंग और डैम कंस्ट्रक्शन से इनको दिक्कत है, सैंड माइनिंग से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे ना एक चीज़ और है, कह रहा क्या, कह रहा है ये ना स्पीशीज इनके याद रखना, ये स्पीशीज जितने भी मैंने आपको दे रखे हैं, मुगर है, चुरीन है, कहाँ कहाँ ये रहते हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस देख लेना। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है तो याद रखना उड़ीसा के अंदर है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है आफ्टर सुंदरबन, रामसर साइट का भी पार्ट है, और यहीं पर आपको ब्रह्मानी, बैतरणी, धमरा, पाटरशाला रिवर भी मिलती हैं, सॉल्ट वाटर के अंदर रहता है और मॉनिटर लिजर्ड वगैरह के साथ रहता है। अब माइक्रोएल्गे की बात की जाए, CSIR और IICT साइंटिस्ट ने ना माइक्रोएल्गे को माना कि एक प्रोटीन सेटल सप्लीमेंट है माइक्रोएल्गे। कह रहा कैसे होता क्या है ये, कह रहा है यहाँ ना इसके अंदर ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। अब ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये ना मरीन फ्रेश वाटर और सॉइल इकोसिस्टम सब जगह रहता है, न्यूट्रिशन में बड़ा रिच है, प्रोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा है। कार्बन साइकिल में ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ना ये एब्जॉर्ब करता है जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, और ये फाइटोप्लैंक्टन के लिए भी फूड चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कलर का ये दिखता है, देखो माइक्रोएल्गे जो होता है ऐसे दिखता है, माइक्रोएल्गे के लिए ये ध्यान रखना, इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन। उसके बाद एब्रियन लिंग्स है, तो IUCN ने बताया कि जो एब्रियन लिंग्स है ना वो इंडेंजर से वल्नरेबल में चला गया क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और हैबिटेट जिसका वाइल्ड कैट स्पीशीज के साथ ही रहता है साउथ वेस्टर्न यूरोप में। इसमें क्या दिखता कैसा है, यूरेशियन स्पीस का हाफ ऑफ एज मच दिखता है, लोनी लॉन्ग से इसके लैग्स होते हैं, टेल छोटी सी होती है, टफ डाइज होती हैं, और हंटरिंग के लिए नॉक्टर्नल भी होता है, और इसको वही दिक्कत है फूड बेस और पोचिंग वगैरह से, कंजर्वेशन स्टेटस अपेंडिक्स 1 में आता है। अब है पेंच टाइगर रिजर्व, अब AI ने ना देखो पहले पता ही है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के में फैला हुआ है ये सतपुरा हिल्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बताया है, अर्ली डिटेक्शन करा है कि फॉरेस्ट फायर यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च की जाएगी। स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क 1975 में है, टाइगर रिजर्व 1992 में बना, यहाँ पर साउथ इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, ये डेसिडुअस भी है, यहाँ पर आपको रिवर दो हाफ्स में डिवाइड होती हुई दिखती है, फ्लोरा फौना पढ़ लेना, इसका एने अकबरी में भी नाम है, रुदयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसमें भी बहुत नाम पेंच का आता है। अब नेक्स्ट आता है भुवन पंचायतन NDM 5.0, ये है क्या,
देखो जो यूनियन मिनिस्टर है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसने जियो पोर्टल्स खोले हैं। क्या खोले हैं? जियो पोर्टल्स, भुवन पंचायत 4.0, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। दोनों का काम क्या है? जो स्पेशल डेटा को, डिस इन्फॉर्मेशन आपका मटेरियल को प्रोवाइड करना, मतलब ये ना स्पेस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देगा कहाँ कहाँ पर, ग्राम पंचायत लेवल तक देगा, ताकि डिसीजन मेकिंग डिजास्टर इमरजेंसी सिचुएशन में अच्छी हो जाए। लास्ट इज हीट डॉम। हीट डॉम क्या होता है? यूएसए के अंदर सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हीट वेव है, बहुत ही ज़बरदस्त, उसी को कहते हैं हीट डोम्स। यानी जब आपका हाई प्रेशर हो जाए और एटमॉस्फेयर में स्टक हो जाए, यानी पूरी जो हॉट हवा है, हॉट एयर है, वो ऐसे ट्रैप हो जाए कि वर्टिकली फैलने लग जाए और हाई प्रेशर पुश करे उसको ग्राउंड तक ले जाने के लिए, विंड इससे मूव करे हाई प्रेशर बट विद डोम स्ट्रेचिंग फार इनटू एटमॉस्फेयर, तो ऐसे में जो वेदर सिस्टम होता है वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा स्थिर रहने लग जाता है, इसी को कहते हैं हीट डोम। तो कहाँ से आया ये फिनोमिना? यूएसए में देखने को मिला कि हीट वेव्स इस कदर होने लग गई हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट सेक्शन। टुमारो विल स्टार्ट सोशल इश्यूज, बिफोर दैट जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।